डियर स्टूडेंट्स, आई एम रूपाली मैम, कंप्यूटर ट्रेनर। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल न्यूर वन कंप्यूटर क्लासेस। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अपने फ्रेंड के साथ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स, आज की वीडियो क्लास में हम बात करेंगे टेक्स्ट सिलेक्शन। टेक्स्ट का जो सिलेक्शन होता है वो हम कैसे करते हैं, लेफ्ट से राइट कैसे करते हैं, राइट से लेफ्ट कैसे करते हैं, अप से डाउन कैसे करते हैं हम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए स्टूडेंट्स, एमएस वर्ड में हम सीखते हैं आज टेक्स्ट सिलेक्शन। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे हमने टास्क बार में नीचे वर्ड को ओपन करके रखा है। ठीक है, इसको हमने यहाँ से ओपन कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ लाइनें लिखी हैं, इसे कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, द सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर। ठीक है, कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस, मॉनिटर इज ए आउटपुट डिवाइस। इस टाइप से हमने कुछ लिखी है लाइनें। ठीक है, तो इन लाइनों के लिए हमें टेक्स्ट सिलेक्शन कैसे करते हैं, तो आइए स्टूडेंट्स सीखते हैं। अगर देखो, जो हमारे कंप्यूटर में साइड होती है, ये वाली जो साइड होती है, इधर की साइड हमारी कौन सी होती है, राइट साइड, ये होती है हमारी राइट साइड। ठीक है, और ये वाली होती है हमारी लेफ्ट साइड, कंप्यूटर की ये लेफ्ट साइड होती है। ठीक है, अब अगर आपका जो कर्सर है, ये होता है हमारा कर्सर होता है ये। ठीक है, अब जो कर्सर है, कर्सर कहाँ है हमारा, लेफ्ट में है। ठीक है, कर्सर कहाँ है हमारा, लेफ्ट में। अब जो हमारे कंप्यूटर में अप डाउन लेफ्ट राइट की होती है, हम उनका यूज करते हैं। ठीक है, टेक्स्ट सिलेक्शन में अप डाउन लेफ्ट राइट जो चारों की होती हैं, इन चारों की का यूज हम करते हैं। हमारा कर्सर जो है इस टाइम कहाँ है, लेफ्ट में है, और हमें सेलेक्ट करना है कहाँ से, लेफ्ट से राइट की ओर हमें सेलेक्ट करना है, लेफ्ट से राइट की ओर सेलेक्ट करना है। तो शिफ्ट के साथ आप राइट वाली की दबाएंगे, राइट एरो की। ठीक है, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे इसका इफेक्ट वर्ड बाई वर्ड करके सिलेक्ट हो रहा है ये। ठीक है, एक एक वर्ड करके यहाँ पर ये सिलेक्ट होता चला जाएगा आपका शिफ्ट के साथ। आप राइट वाली एरो की का यूज करेंगे जब आपको सिलेक्ट करना हो लेफ्ट से राइट की ओर। ठीक स्टूडेंट्स, ओके। अब बात आती है आपकी सेकंड वाली की, जब हमारा कर्सर कहाँ हो, राइट में हो, कर्सर हमारा राइट में हो, तो आपको सिलेक्ट जो करना है, आपको सिलेक्ट राइट से लेफ्ट की ओर सिलेक्ट करना है, राइट से लेफ्ट की ओर सेलेक्ट करना है। तो शिफ्ट के साथ आप लेफ्ट एरो की को प्रेस करेंगे, लेफ्ट एरो की। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इसका इफेक्ट वर्ड बाई वर्ड करके यहाँ पे ये सिलेक्ट हो रहा है। ठीक है, एक एक वर्ड करके ही सिलेक्ट होगा, शिफ्ट के साथ आप राइट वाली एरो की को प्रेस करेंगे तब। ठीक है स्टूडेंट्स, लेफ्ट राइट दोनों आपको समझ में आ गई होंगी। फिर है आपका कि जब आपको सेलेक्ट करना है बॉटम से टॉप की ओर, बॉटम से, अब यहाँ पे आप ये देख लीजिए कि कर्सर कहाँ है हमारा, लेफ्ट में, कर्सर कहाँ है, लेफ्ट में। ऊपर से यानी टॉप से आपको बॉटम की ओर सेलेक्ट करना है, टॉप से, टॉप मानी होता है ऊपर और बॉटम मानी होता है नीचे। ठीक है, टॉप से ऊपर नीचे बॉटम की ओर सेलेक्ट करना है, तो शिफ्ट के साथ आप कौन सी की दबाएंगे, डाउन वाली की, डाउन एरो की। ठीक है, सेलेक्ट हो जाएगा। अब अगर आपको राइट में है कर्सर, कर्सर कहाँ है, राइट में। ठीक है, आपको सेलेक्ट कहाँ से करना है, बॉटम से टॉप की ओर, बॉटम से टॉप की ओर सेलेक्ट करना है आपको, तो शिफ्ट के साथ आप अप वाली की दबाएंगे। ठीक है, सेलेक्ट हो गया। अगर बॉटम से टॉप की ओर सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट के साथ आप कौन सी की दबाएंगे, अप वाली की। ठीक है, इस टाइप से कर्सर पे डिपेंड करता है ये। फिर है हमारा कि सिलेक्ट एंटायर कंटेंट्स अपवर्ड्स टू द बेइंग फ्रॉम द बिगिनिंग फ्रॉम द कर्सर। अब आपको सारा एक बार में सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब जो हमने लाइनें लिखी हैं इनको सबको एक बार में सिलेक्ट करना है। अब कर्सर हमारा कहाँ है, लेफ्ट में, कर्सर कहाँ है हमारा, लेफ्ट में है। ठीक है, तो हम सबको एक, सारी लाइनों को एक साथ सेलेक्ट करना है हमें, तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ हम
एंड दबाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट के साथ ई एन डी वाला एक बटन होता है वो दबाएंगे आप, सही है। ओके स्टूडेंट, ऑल सेलेक्ट हो गया। अब अगर कर्सर कहाँ है हमारा, राइट में है, कर्सर कहाँ है राइट में है, तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ आप होम दबाएंगे इस टाइप से, ऑल सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको ये सारी शॉर्टकट की समझ में आई होंगी, कंट्रोल शिफ्ट वाली, ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट विद एरो की, ठीक है, होम प्लस होम और एंड के साथ। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको मेरी ये सारी वीडियो, आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए स्टूडेंट्स। और अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप पूरी वीडियो देखिए, इसमें वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की होती हैं ये हमारी, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।